बिशनपुर प्रखंड के चापाकोना स्थित विद्यालय के समीप अमती पानी व चिरोड़ी माइंस क्षेत्र के रैयतों की बैठक हुई, जहां मुख्य रूप से प्रखंड प्रमुख राजलक्ष्मी उरांव उपस्थित रही। बैठक में हिंडलाको एवं उपायुक्त गुमला से कंपनी द्वारा बॉक्साइट उत्खनन के लिए ली जा रही जमीन की मुआवजा एवं कंपनी के द्वारा क्षेत्र में उपलब्ध कराए बुनियादी सुविधाओं पर विचार विमर्श किया गया और मांग पत्र तैयार किया गया। हिंडलाको कंपनी खुलने जा रहा है और यहाँ के आदिवासी लोग चाहते हैं कि यहाँ की जो हिंडलाको कंपनी खुलेगी उससे गाँव वालों का भी फायदा हो और हिंडलाको का भी फायदा हो, और लोग चाहते हैं कि उनको अपनी ज़मीन का सही मुआवजा मिलना चाहिए और वो कंपनी दे और गांव वालों को अच्छी सुख सुविधाएं जैसे मेडिकल, स्कूल, बिजली, पानी, ये सब सुख सुविधाएं हिंडलाको की तरफ से वो प्रदान करें। क्या नाम है? मेरा नाम दिलेश्री है। सबसे बड़ा ये मांग है यहाँ मुआवजा को लेके। आज तक हमारा जो यहाँ रैयत है 40 से 50 साल तक माइनिंग हुआ, जैसे पूजा हो गया, अंती पानी हो गया, गुरुदारी हो गया, लेकिन आज तक हमारा रैयत को मुआवजा क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, आज तक हमारा रैयत बोला ही नहीं और आज तक उनको पता भी नहीं चल पाया कि मुआवजा क्या मिलना चाहिए। आज अभी जो हमारे यहाँ के रैयत है न्यू अंती पानी माइंस खुलने जा रहा है, उसमें रैयत का कहना है कि हम लोग को हमारे साथ शोषण दोहन जो हो रहा है वो हम लोग नहीं होने देंगे। जो भी हमारा जो मुआवजा मिलना चाहिए हम लोग जिनमिन मुआवजा लेंगे जो कि हमारे हित के लिए होना चाहिए, ये मांग को लेके आज यहाँ पे बैठा किया गया। क्या नाम है? मेरा बिमल चंद्र सूर्य। हर रविवार को मीटिंग बैठते हैं, पब्लिक के मांग के द्वारा ग्रामीण को जो जो कंपनी के द्वारा मांग किया जाता है उसको कंपनी पूरा करे, क्योंकि हर बार देखते आ रहे हैं, हर बार सुनते हैं कि ग्रामीण बोलता है कि कुछ सुविधा नहीं मिलता है हम लोग के लिए। हम लोग कंपनी को जितना जल्दी खुलने के लिए हम लोग भी कह रहे हैं पूरे पब्लिक के साथ में, लेकिन जो जो हमारा पब्लिक मांग करता है वो चीज़ को कंपनी के द्वारा पूर्ण होना चाहिए, पारदर्शिता काम होना चाहिए, जो कि हम लोग के बीच में कभी कभी छुपा हुआ रहता है, कोई काम छुप जाता है, वैसा छुपने का काम नहीं करे कंपनी। और पब्लिक के साथ में जो भी काम हो अच्छा काम हो, दोनों तरफ से मिलजुल के काम करेंगे तो पब्लिक को भी खुशी होगी। हमारे बीच में अभी नया कंपनी खुल रहा है, खुशी है, खुलना चाहिए, इसमें ग्रामीण को भी लाभ मिलेगा और मिलना चाहिए। दोनों तरफ से कंपनी की ओर से और पब्लिक की ओर से भी दोनों आदान प्रदान बात होना चाहिए और काम भी उसी तरह होना चाहिए। क्या नाम है? श्रीमती प्रशांत को। हम लोग कंपनी से लीजिए अड़े हुए हैं और इकट्ठा हो रहे हैं, हम पब्लिक को समझा रहे हैं जो प्रभावित क्षेत्र में जिसका जमीन जा रहा है। अभी तक कंपनी इतना छल किया है, अभी 50 साल यहाँ माइनिंग किया है, लेकिन जिस क्षेत्र में माइनिंग किया वहाँ ना रोड का सुविधा दिया, ना पेयजल का सुविधा दिया, ना मेडिकल का सुविधा दिया। अभी मान ले हमारा क्षेत्र न्यू अमती पानी के नाम से ओपनिंग होने जा रहा है, ओपनिंग करने के लिए कंपनी तैयार है, लेकिन मेरा आम पब्लिक ये प्रभावित ये रैयत असलियत रैयत है, उसका डिमांड है कि हम लोग को मान ले क्षेत्र में जब तक गांव-गांव गली गली रोड नहीं बनाती है, पेयजल का व्यवस्था नहीं करता है, मेडिकल का सुविधा नहीं देता है, सही मुआवजा नहीं देता है, तब तक हम लोग जमीन देने के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग जमीन कंपनी को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग का वास्तविक हक जब तक नहीं मिलेगा, मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए। हाँ, मूलभूत सुविधा कंपनी जब तक मुहैया नहीं कराएगी तब तक हम लोग जमीन नहीं पूजा पाठ करने देंगे। क्या नाम है? मेरा झमन मुंडा नाम है। जानते नहीं थे कि बॉक्साइट से क्या चीज उपलब्ध होता है, बॉक्साइट से क्या चीज बनता है, लेकिन यहाँ का लोग आप करीब करीब जान चुके हैं कि बॉक्साइट का महत्व कितना है, इसलिए उनका सही राशि मुआवजा मिलना चाहिए। और ये भी यहाँ के जनता लोग कह रहा है कि कम राशि में, यहाँ का रैयत लोग बोल रहे हैं कम राशि में यहाँ उत्खनन करने नहीं देंगे कंपनी को, हिंडलाको को। आगे जब तक इसका लाइनअप नहीं करेंगे करती है कंपनी, तब तक के लिए यहाँ का जितना रैयत है वो जमीन नहीं, जमीन देने के तैयार नहीं है। क्या नाम है? करम चंद्र। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।